देख कार्तिक, मासा के सामने तो हम कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से घर में ये सब क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। खासकर जब से लवली इस घर में आई है, करीब करीब रोज ही इस घर में कुछ ना कुछ घटना हो जाती है। देखो कार्तिक, हमें लवली से कोई शिकायत नहीं और ना ही हमें इस बात से कोई एतराज है कि तुम दोनों ने शादी क्यों की। बस मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आजकल घर में जो भी हो रहा है वो बंद हो जाए, बस। हमें अपने सवाल का जवाब चाहिए। ये जो कुछ भी घर में हो रहा है ना, ये ठीक नहीं है। सा, ये जो भी हम कर रहे हैं ना, कार्तिक की पत्नी हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर रही है। हम उसे इस तरह ढील नहीं दे सकते। देखिए श्रीमती जी, लवली को एक अच्छी बहू के रूप में ढालने का आपका विचार एकदम सही, लेकिन ये ना भूलिए कि आपके सुधार अभियान से परिवार के दूसरे सदस्यों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस उथल पुथल के कारण बहुएं अपने पतियों को समय नहीं दे पा रही हैं और इसी कारण जाने अनजाने उनकी जाती जिंदगी भी प्रभावित हो रही है। मैं समझता हूँ भैया, आई एम सॉरी। मैं लवली को समझाऊंगा कि आइंदा वो ऐसी कोई भी हरकत ना करे जिसका भाभियों पर या आप सबकी जिंदगी पर कोई भी असर हो। रिया, तुम्हें लवली की वजह से सजा भुगतनी पड़ी, ये मत भूलो। वो तो मासा का बड़प्पन है जो उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया। लवली हमारी भी देवरानी है, हमें प्यारी है, पर मासा के दिल में जगह बनाने के लिए लवली को अपने आप को बदलना पड़ेगा ना। हम मासा को अपनी कच्ची उम्र से देखते आए हैं, उन्होंने कभी कोई गलत फैसले नहीं लिए। इस छोरी ने तो हम सबको मुसीबत में डाल दिया है, पूरे घर में उथल पुथल मची हुई है। हम बहुओं को तभी शांति मिलेगी जब ये छोरी सुधरेगी, नहीं तो तब तक हमें इसी बात का डर होगा किस दिन वो क्या कर बैठे। ओके, आई थिंक ये कमरा हो गया है, अब पूरे घर में पोंछा लगाना है। कर लोगी ना? हाँ। रिया, हाँ जरा इधर तो आओ। तुम शुरू करो, मैं अभी आती। कार्तिक की पत्नी को अच्छी तरह से समझा दो कि फिजूल पानी खर्च किए बिना कैसे पोछा लगाया जाता है। चलो अब इससे करवा के देखो। अब समझ में आया? हाँ। ये लीजिए सा, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, लवली की नादानियों की वजह से हो रहा है। सर अभी जिम्मेदार ना है ये छोरी। हमें तो इस बात का डर है सा, कहीं ये छोरी बहू को अपने ही रंग में ना रंग दे। कितना काम है और मैंने तो कुछ खाया भी नहीं है, बहुत वीकनेस लग रही है। ओए, और मेरी निम्मी देवी जी की सलवार जला दी। ओ जी, मैं अभी क्या भी जाता और मासा को बताता हूँ। हाँ। ओए हाय निम्मी देवी जी, आपकी सलवार जलाइए, आप भी चलो मेरे साथ, अभी क्या भी मासा को बताते हैं। हाँ चलो जी, चलो। हम ना किसी को नहीं बताएंगे। मुझे क्यों जी, किसी को क्यों नहीं बताएंगे? ओए, वो ना बड़ी पुरानी सलवार थी, फटी नहीं रही थी। अच्छा लवली, तुझे बिल्कुल भी अकल नहीं है, तूने निमी भाभी की सलवार जला दी। लेकिन वो कितनी क्यूट है, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। भाई हमारी लवली बिटिया ने अपनी सजा भलीभांति पूरी कर ली, अब वो खाना खाने बैठ सकती है। चलो सब शुरू करो।
देखिए मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़े ही समय में इन्हें होश आ जाएगा। पर कार्तिक मुझे क्यों लगता है कि आपकी वाइफ बहुत ज्यादा ही वीक लग रही है, क्या इन्होंने सवेरे से कुछ खाया नहीं है? नहीं, खाना तो खाया ही होगा। आर यू श्योर कार्तिक? मॉम जी मैंने उसे प्लेट में खाना डालते वक्त तो देखा था, पर आई एम नॉट श्योर कि उसने खाया कि नहीं। वो पूरा टाइम स्पून से खेलती रही। लवली तुमने तुमने खाना क्यों नहीं खाया? ओ, मैंने सोचा था कि रिया भाभी को खाना खिलाकर उनकी सजा मैं पूरी करूंगी और दिन भर कुछ नहीं खाऊंगी। लवली ने खुद भूखे रहकर रिया की सजा निभाई और ऊपर से घर का इतना सारा काम भी किया। ठीक है लवली, जो कुछ भी हो तुम्हारी सजा खत्म हो चुकी है, अब तुम खाना खा लो, प्लीज खाना खा लो। नहीं कार्तिक, मैं खाना तभी खाऊंगी जब मासा मुझे खाने को कहेंगे। सस कौशिक की पांच बहू।